How to calculate meridional force? Meridional force is represented by T1, and this formula is given in the codes, so you just need to remember it. WW is the uniformly distributed load per unit length of the member, whereas R is the radius of the R is the radius of the spherical structural element. Okay, just remember it ki W kya hai. W is the load, total load, aur ye total live load plus dead load for the spherical dome. अभी हम ये मेरिडियोनल फोर्स या हुप टेंशन किस पे एक्ट करता है हमारे टैंक में, तो ये मत कहिएगा सर कि टैंक वॉल पे अप्लाई होता है. ये जो दोनों जो फोर्सेस हैं ये बस हमारे कहाँ पे अप्लाई होते हैं, तो इस पे होता है. ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो हमारा जो पोर्सन है, ये पोर्सन है हमारा टॉप डोम, और ये टॉप डोम जो है ना स्फेरिकल शेप है, यानी इसमें मेरिडियन ये रहे आपके मेरिडियन, ठीक है. तो यहाँ पे मेरिडियंस के अलॉन्ग कौन सा फोर्स लगेगा, मेरिडियोनल फोर्स, और ये रहा टॉप डोम का स्फेरिकल पैरेलल सर्किल्स, और इन सर्किल्स के अलॉन्ग लगेगा आपका हुप टेंशन. तो अभी हम टॉप डोम की डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है ना इसमें रेडियस भी टॉप डोम का लगेगा. ये अगर इसका डायमीटर अगर हमें अगर पता हो कि डायमीटर ऑफ द टैंक वॉल अगर डी है, तो डी इज़ द डायमीटर ऑफ द टैंक सर्कुलर वाटर टैंक, देन दिस इज़ नॉट द रेडियस फॉर द सर्कुलर टॉप डोम. सर्कुलर टॉप डोम की रेडियस विल बी डिफरेंट देन दिस वैल्यू ऑफ डी. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेडियस फॉर द टॉप डोम, वी हैव टू कैलकुलेट. एक्चुअली इसकी रेडियस समवेयर यहाँ पे होगी, और ये हमें कैलकुलेट करना होगा. ये कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हमें हटानी होगी, और इसका जो कहते हैं इसका रेडियस हमें कैलकुलेट करना होगा. अगर हमें मान ले रहे हैं कि हमें इसका ये वाला वैल्यू डायमीटर हमें पता है dy2 एंड दिस इज r. R is the radius of top dome and dy2 is the radius of cylindrical or circular water tank. तो ये इन दोनों में difference है, ठीक है. अभी हम नीचे चल के देखते हैं कि कैसे हम इन दोनों forces को calculate करते हैं. तो सबसे पहला है हमारा T1 में है W, और W की value क्या है, W इज इक्वल टू W लाइव लोड प्लस W डेड लोड, दोनों वैल्यू को जोड़ना है. और हाँ, ये फैक्टर्ड लोड होने चाहिए, फैक्टर्ड लोड यानी 1.5 से मल्टीप्लाई. अगर हमें फैक्टर्ड लोड हमें दिया हुआ है, फैक्टर्ड है ये दोनों ही मैं कह रहा हूँ, दीज आर फैक्टर्ड लोड. फैक्टर्ड मतलब कि 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है लाइव लोड और डेड लोड दोनों को. तो ये वैल्यू आपको दिया गया था और फिर हमने इसे कैलकुलेट कर लिया है कि लाइव लोड दिया हुआ था. लाइव लोड बहुत ही कम होता है एक्चुअली टॉप डोम पे, 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एक्चुअली अब कोई कह सकता है सर लाइव लोड कहाँ से लगेगा टॉप डोम पे, हाँ नहीं होता है, पर जो टॉप डोम है कभी कभी कोई लेबर जाता है उस पर कुछ माइनर कंस्ट्रक्शन के लिए, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक मीटर स्क्वायर एरिया पे 1.5 किलो न्यूटन तक का लोड लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर सेफ्टी, क्योंकि उस पर कोई जाता नहीं बेसिकली, कोई पक्षी वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा जाता है, पर मैक्सिमम केस में एक आदमी जा सकता है या दो. पर डेड लोड क्या होता है टॉप डोम का, टॉप डोम का डेड लोड के लिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया है कि हमें पता है कि थिकनेस कितना है टॉप डोम का. टॉप डोम का थिकनेस है 0.1 मीटर, यानी 100 mm है थिकनेस ऑफ द टॉप डोम, याद रखिएगा इसे. हमने ज़्यादा नहीं वैल्यू लेना है, 100 mm 150 mm मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती, थिक डोम नहीं होते, उसे बस कवर के लिए यूज होता है. और ये 25 वैल्यू कहाँ से आई, तो ये आपको याद होगा कि डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. अगर नहीं याद है तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, डिज़ाइन के लिए आपको काम आएगा ये. या आर सी सी में बहुत ही बार आपको आता है ये वैल्यू कि क्या होती है डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, तो ये होती है 25, ठीक है.
तो 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाई द थिकनेस एंड देन वी गेट डेड लोड का एक पर यूनिट एरिया। डेड लोड कितना लग रहा है? 2.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हेयर वी हैव एज्यूम थिकनेस ऑफ डोम इज इक्वल टू 100 mm। ठीक है, एज वी मूव फॉरवर्ड वी एंड बोथ दिस वैल्यूज इफ दे आर सेट टू बी क्या कहते हैं फैक्टर्ड, देन यू फैक्टर्ड और अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज द सेम वैल्यू। सो एडिंग बोथ द अबव डेटा WLL प्लस WDL वी गेट W टोटल इज इक्वल टू 4 kN पर मीटर स्क्वायर। अब W तो मिल गया, अब हमें इस फॉर्मूला में R क्या है? R इज द रेडियस। रेडियस फॉर वॉट? R इज नॉट द रेडियस ऑफ सर्कुलर सिलेंड्रिकल टैंक बट R इज द रेडियस ऑफ R इज नॉट द रेडियस ऑफ सर्कुलर सिलेंड्रिकल टैंक बट R इज द रेडियस ऑफ डोम एट द टॉप। ये समझना बहुत जरूरी है। तो कैसे R को कैलकुलेट करते हैं? लेट्स सी इट। सी दिस वन इज आवर टॉप डोम, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, और हमारा सिलेंड्रिकल सर्कुलर बीम, सिलेंड्रिकल सर्कुलर वाटर टैंक बस ये रहा। तो इसका डायमीटर तो हमें पता है कि d है, तो ये इसका d बाई टू, ये इसका रेडियस हो गया नीचे वाले पार्ट का, टैंक का, सिलेंड्रिकल का, तो ये d बाई टू हो गया। पर रेडियस ऑफ सर्कुलर ओवर सर्कुलर डोम जो है टॉप पे, उसका रेडियस को हमने r माना, r इज़ द रेडियस। तो ये r की वैल्यू क्या होगी? तो आप इसे यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। वी हैव अज्यूम थीटा इज द एंगल हेयर मेकिंग सबटेंडेड बाई द रेडियस एंड द परपेंडिकुलर टू द टॉप डोम। सो वी कैन अज्यूम दैट देयर इज एच हाइट ऑफ द एच इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द टॉप डोम फ्रॉम द लेवल ऑफ द सिलेंड्रिकल वाटर टैंक। एच इज द हाइट and this h can be assumed as 0.2 times d। this data is very very important, this is although an assumption but very very important। okay, h is 0.2 times d is the diameter of the circular water tank। ab h ki value hume pata chal gayi ki h is equal to 0.2 times d। तो h की वैल्यू पता चल गई, या और फिर हमने एज्यूम कर रखा है कि रेडियस कितना है? रेडियस है r फॉर द टॉप डोम। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? r माइनस h, और फिर ये वाली वैल्यू है d बाई टू। तो अब हमें इन दोनों के बीच में, अगर इन तीनों पे अगर हमने इस ट्रायंगल में, ये रहा ट्रायंगल, इसमें हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमें R की वैल्यू, कैपिटल R की ही वैल्यू जो है अननोन रह जाती है, और इस R की वैल्यू आ जाती है d बाई टू का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h। कैसे किया हमने एक बार देख लीजिए आप, हाउ एवर एक्सप्रेशन केम। एक्चुअली हमने पाइथागोरस थ्योरम हमने लिया और उसे हमने यूज़ किया, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि r स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई टू का होल स्क्वायर प्लस r माइनस h का होल स्क्वायर। इसे ठीक से देख लीजिए, ठीक है, d बाई टू का होल स्क्वायर किया प्लस r माइनस h का होल स्क्वायर किया। अब फिर इसको एक्सपेंड कर दिया r माइनस h स्क्वायर को, इसे फर्दर इस पार्ट में हमने ब्रेक किया, और r स्क्वायर और r स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होता हुआ। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया? ये वाला जो माइनस 2rh है इसको इधर हमने लिया प्लस 2rh, और फिर डी वाई टू एस का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को रहने दिया, और फिर आर को हमने इधर ही रहने दिया, और टू एच जो था वो डिवाइड में चला गया उधर। तो अब आपके पास ये वाला वैल्यू रह गया। ठीक है, हम यहाँ पे ये फाइनल मेरा एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये आपको सिंपल इतना तो समझना ही चाहिए, बेसिक है, कॉमन सेंस है। ठीक है, तो अभी हमने डी डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वाटर टैंक, हमें डी हमें पता है 12 मीटर। एच की वैल्यू क्या है? एच इज द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ द लेवल ऑफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द एच इज द डिफरेंस ऑफ द टॉप पार्ट ऑफ द डोम फ्रॉम द लेवल ऑफ द फ्रॉम दिस लेवल ऑफ द
सर्कुलर वाटर टाइम, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को एच कहते हैं। तो एच की वैल्यू हमने 0.2D मान लिया और उसी को हम यहाँ पे हम रख रहे हैं, तो 0.2D रखेंगे तो 2.4 आ जाएगा और आर की वैल्यू इस पॉइंट से यहाँ से आ जाएगी आपकी 8.7 मीटर, आप कैलकुलेट कर लेना। और फिर कॉस थीटा कैसे आया, तो कॉस थीटा का लाने के लिए हमें थीटा का हमें देख सकते हैं, यहाँ पे थीटा है और हमें सब कुछ पता है, सारे डेटा हमें पता है, तो कॉस थीटा भी आप कर सकते हो बेस बाई हाइपोटेनस, तो 0.724 आ जाएगा। अभी हम नाउ वी आर इन द पोजिशन टू कैलकुलेट T1, दैट इज मेरिडियनल फोर्स, W इंटू आर बाई 1 प्लस कॉस थीटा। दिस फार्मूला इज एक्चुअली इम्पीरिकल फार्मूला, देर इज नॉट एज मच प्रूव, वी कैन प्रूव इट बट इट हैज़ बीन डेराइव्ड, सो वी आर जस्ट गोइंग टू यूज इट, आप इसे याद कर लो और फिर इसके प्रूफ्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो T1 आ जाएगा W इंटू आर हमने किया प्लस 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड करके 20.2 इंटू किलो न्यूटन पर मीटर। देखिए W क्या था, W की यूनिट थी 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपने रेडियस की यूनिट है मीटर में, तो मीटर एक कैंसिल होगा तो किलो न्यूटन पर मीटर होगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया मेरिडियनल फोर्स आ गया पर यूनिट लेंथ। अभी मेरिडियनल स्ट्रेस निकालना है, मान लीजिए मेरिडियनल स्ट्रेस, अभी हम स्ट्रेस इसलिए निकाल रहे हैं कि आगे चल करके हमें IS कोड में हमें देखना है कि हमारा डिज़ाइन कंक्रीट इतना स्ट्रेस ले सकता है कि नहीं, टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि मेरिडियनल स्ट्रेस हमने बताया था आपको एक सर्कुलर ऐसा पार्ट होता है सेल, और उस पर मेरिडियनल स्ट्रेस कैसा होता है, एक टेंसाइल फोर्स की तरह होता है, ये रहा मेरिडियनल स्ट्रेस। तो मेरिडियनल स्ट्रेस को डिवाइड कर देते हैं बी इंटू डी से, और फिर बी हम कितना लें, विथ हम ले लेते हैं, बी है हमारा जैसे अब मेरिडियनल स्ट्रेस, अभी हमारा ये रहा हमारा सर्कुलर, ठीक है, ये परफेक्टली नहीं बन पा रहा लेकिन आप इसे समझ जाना, ठीक है। अब हमने इसमें बी, हमें डी, अब हमने क्या किया, इसमें हमें मेरिडियनल स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरिडियनल स्ट्रेस के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या कहते हैं, ये रहा ओके एंड देन ब्लू टिक एंड फोर्स इज एक्टिंग हेयर मेरिडियनल फोर्स, और फिर हमने इसका मेरिडियनल स्ट्रेस निकालना है, तो हमने ये वाला पोर्शन हमने ले लिया, आप इसे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इस फोर्स को हमने माना कि इसकी ये रही विथ बी और डेप्थ डी हो गया, ये बी इंटू डी एक एरिया ले लिया। अब बी को हमने मान लिया ये 1 मीटर हो गया, ठीक है, और डी तो हमें पता है डी इज द थिकनेस, थिकनेस कितना है, बी हमने मान लिया कि बी इज एक्चुअली 1000 mm फॉर 1 मीटर विथ, 1 मीटर विथ को ले लीजिए और उतने पे स्ट्रेस कितना लग रहा है हमें निकाल लेना है, और डी तो हमें पता ही है, डी इज द थिकनेस, तो एक स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी कि एक यूनिट एरिया पे कितना लग रहा है मेरिडियनल स्ट्रेस। तो डी कितना था 100 mm और बी लिया हमने 1000 mm, तो 1000 mm इंटू 100 mm आप मल्टीप्लाई कर लो, तो जैसे ही किलो न्यूटन को हमने न्यूटन में बदलने के लिए 10^3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये 10^3 जो आप देख रहे हो इससे न्यूटन में आ गया, और नीचे ये वाला 1000 mm और फिर 100 mm, इससे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में डेटा आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा मेगा पास्कल, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को आप लिख सकते हैं मेगा पास्कल में, ठीक है। तो 0.202 बहुत ही कम स्ट्रेस लग रहा है मेरिडियनल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस पर ध्यान दीजिए, कंक्रीट हमारा वीक होता है टेंसाइल स्ट्रेस में। तो हम जाएंगे IS कोड के 3370 पार्ट 2 टेबल नंबर 2 में, हमने देखा था टेंसाइल स्ट्रेस जो M30 कंक्रीट कितना ले सकती है, तो परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट है 8 Nm² 8 Nm² ले सकती है। आपको एक जगह मैं ये भी बता देता हूँ कि लगभग जो होता है सिग्मा टेंसाइल स्ट्रेस होती है, लगभग सिग्मा कंप्रेसिव स्ट्रेस की लगभग ये होती है 4/4, जैसे 30 है सिग्मा सी कितना है, सिग्मा टेंसाइल इज इक्वल टू सिग्मा कंप्रेसिव बाई 4, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अभी हमारी सिग्मा सी क्या है, सिग्मा सी M30 कंक्रीट है तो 30 MPa, ध्यान दीजिए, तो सिग्मा टी कितना होगा, 30/4 कर लीजिए तो 7.5 लगभग इतना होना चाहिए, 7.5 MPa।
तो वैसे ही आप ये गेस भी कर सकते हैं, इसमें कॉमन सेंस है, ये कम होता है टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है इसकी कंक्रीट की, ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूँ। तो परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट हो गया 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो वी डोंट नीड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट। 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर जब ले ही सकता है, जब ये 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेने में सक्षम है, तो इतना भी नहीं ले लेगा, 0.202 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो वी डोंट नीड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि परमिसिबल वैल्यू काफ़ी हाई है, तो परमिसिबल वैल्यू को रीच नहीं कर रहा है। सो आवर डिज़ाइन इज एक्चुअली सेफ, क्योंकि सेफ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर हम कुछ भी रेनफोर्समेंट नहीं डालेंगे, हमें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम रेनफोर्समेंट, तो मिनिमम रेनफोर्समेंट हर जगह डालना है। ये जो मिनिमम रेनफोर्समेंट हमें पढ़ाया जाता है IS 456 में, ये मिनिमम रेनफोर्समेंट के बिना आपकी RCC पॉसिबल ही नहीं। RCC मतलब क्या होता है, सबसे पहला है R, रेनफोर्स्ड, देन है सीमेंट कॉन्क्रीट। तो ऐसा नहीं, रेनफोर्समेंट को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, रेनफोर्समेंट R से ही RCC है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लगाने वाले हैं कि मिनिमम रेनफोर्समेंट क्या है। मिनिमम रेनफोर्समेंट इज गिवन है 0.24%। तो 0.24% AST अब हम निकाल लेते हैं, कितना हमें एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट चाहिए। तो एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट निकालने के लिए हमें परसेंटेज, हमें 0.24% है, तो 0.24 / 0 और बी इंटू डी, अगेन 1000 mm × 100 mm कर दिया, और ये 240 mm स्क्वायर आपका आ गया कैलकुलेशन में। और फिर हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं 85 मतलब 8 mm का डायमीटर का स्टील, और फिर ये वाला स्पेसिंग दे देते हैं 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। इसका मतलब फिर से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड स्टील रेनफोर्समेंट ऑफ 8 mm डायामीटर एट द रेट ऑफ 200 mm डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर। अब कहोगे सर 8 mm तो समझ में आ रहा है, पर ये 200 mm, ये 8 mm आया कहाँ से? तो इन दोनों के बीच में स्पेसिंग और डायमीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, इसे ध्यान से देखिएगा। स्पेसिंग जो होती है, इट इज़ इक्वल टू आपकी एक स्टील की क्या डायमीटर क्या है, एक स्टील की आपकी एक स्टील बार की क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको मल्टीप्लाई करिए 1000 से, डिवाइड कर दीजिए AST से। ये बहुत ही ईजी अंडरस्टैंड करना, मतलब कि स्पेसिंग कितना चाहिए, मतलब एक स्टील आपका इतना एरिया प्रोवाइड करता है, π/4। अगर आपने एक स्टील बार लिया, मान लीजिए एक स्टील बार लिया, तो आपको इतना एरिया आपको मिल गया। अब आपको 1000 mm में कितना स्टील बार प्रोवाइड करना होगा, कितने स्पेसिंग में, ताकि आपका ये रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। ये एक एक नियम उस तरीके से, यूनिटरी मेथड, अगर आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा है तो उसमें AST मुझे रिक्वायरमेंट है, एक स्टील बार इतना प्रोवाइड करना है, एक स्टील बार मुझे इतना एरिया दे रहा है, तो 1000 mm में मुझे कितने कितने और स्टील बार चाहिए कि प्रोवाइड हो जाए। तो इतने स्पेसिंग, इतना स्पेसिंग ये हमें स्पेसिंग देता है कि इतने इतने स्पेसिंग पे अगर हम इतने स्टील बार रखें तो हमें मिल जाता है। तो ये लगभग 187 कुछ वैल्यू ये आएगा। तो इसे राउंड ऑफ करके हम 200 mm सेंटर टू सेंटर कर लेते हैं, ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा ध्यान से। ओके, सो आफ्टर प्रोवाइडिंग 8 mm डायमीटर रेनफोर्समेंट बार एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दिस बार विल बी अप्लाइड अलोंग द पैरेलल सर्किल्स, यू नो, क्योंकि ना मेरिडियोनल स्ट्रेस जो होता है अलोंग द लॉन्गिट्यूड्स एक्ट करता है। ये रहा मेरिडियोनल स्ट्रेस आपका, ये था मेरिडियोनल स्ट्रेस। दिस एक्ट्स अलोंग द मेरिडियंस, एंड टू काउंटर एक्ट दिस मेरिडियोनल स्ट्रेस, अगर हमें 8 mm बार ऑफ रेनफोर्समेंट डायमीटर अगर हमें अप्लाई करना है और फिर एट द रेट ऑफ 200 mm सेंटर टू सेंटर, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो बार्स अप्लाई होगा अलोंग द सर्कुलर, इस तरीके से अप्लाई होगा बार्स जो लगेंगे इस तरीके से along the parallel circle, आपको याद होगा, to resist this
मेरिडियनल स्ट्रेस, इसके जस्ट परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन में हम लगाएंगे, ठीक है। तो अलोंग दिस पैरेलल सर्किल्स लैटिट्यूडनली हमें लगाना होगा, क्योंकि मेरिडियनल फोर्स लॉन्गिट्यूडनली लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर है। तो नाउ कम्स द हुप टेंशन। हुप टेंशन कैसे लगता है? हुप टेंशन आपको पता है कि ये रहा अगर मेरा सर्कुलर स्फेरिकल मेंबर, तो इसमें ये रहे पैरेलल सर्किल्स, और इन सर्किल्स में हुप टेंशन लग रहा होता है, इन सर्किल्स में से हुप टेंशन लग रहा होता है। और अगर हमें इसे रजिस्ट करना है ये वाला, ठीक है, तो इस तरीके से हुप टेंशन लग रहा है। और अब हमें हुप टेंशन का जो फॉर्मूला है हमें देता है इससे T2, ये भी इम्पीरिकल फॉर्मूला है। T2 इज इक्वल टू W इंटू R इंटू cos थीटा माइनस 1/1 प्लस cos थीटा। अब देखो W भी पता है, R भी पता है, थीटा भी पता है, तो सब कुछ पता है, तो हमें T2 की वैल्यू भी आ जाएगी। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये भी इम्पीरिकल है। तो हुप स्ट्रेस आपका आ जाएगा, हुप स्ट्रेस, ये हुप फोर्स आया आपका 5 किलो न्यूटन पर मीटर, इसको फिर से डिवाइड कर देना है बी इंटू डी से, तो आपकी वैल्यू हुप स्ट्रेस क्या जाएगी, 0.05 न्यूटन पर mm². और ये हुप स्ट्रेस भी वेरी वेरी लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस, σ2 इज ऑल्सो लेस देन सिग्मा परमिसिबल। तो जैसे ही लेस देन आया ये वाला कि लेस देन है σ2 सिग्मा परमिसिबल के, तो आप इसमें भी डिजाइन हमारा, हम कह सकते हैं कि डिजाइन हमारा सेफ है। एंड अगेन वी प्रोवाइड मिनिमम रिइंफोर्समेंट AST मिनिमम 0.24%, और इसमें भी वही चीज़ होगी कि हमें प्रोवाइड करना होगा ये वाला 8 mm 200 mm cc, यही वाला रिइंफोर्समेंट हमें फिर से डालना होगा टू रजिस्ट हुप टेंशन, ठीक है। हुप टेंशन को भी रजिस्ट करने के लिए यही वाला, यही रिइंफोर्समेंट डालना होगा 8 mm डायमीटर एट द रेट ऑफ डिस्टेंस ऑफ 200 mm सेंटर टू सेंटर। पर ये लगेगा कैसे? हुप टेंशन पैरेलल सर्किल में लगता है, लेकिन ये वाला रिइंफोर्समेंट कैसे लगेगा? लॉन्गिट्यूडनली अलोंग द मेरिडियंस। तो अभी मैं आपको फिलहाल के लिए उसका डायग्राम दिखा देता हूँ कि कैसा हमारा रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग डायग्राम होगा, वो कुछ ऐसा होगा। अभी आप ज़्यादा पार्ट को मत देखिए, बस आपको क्या फोकस करना है, ये रहा हमारा रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग 8 mm डायमीटर एट द रेट 200 mm पर सेंटर टू सेंटर बोथ वेज। ये वाला आप डॉट भी देख रहे होंगे यहाँ पे, ये रहा डॉट, एक डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, चौथा डॉट, ये सभी जो है आपके अलोंग द पैरेलल सर्किल है, ठीक है। और एक जो है ये रहा, एक जो स्टील बार आपको ऐसे दिख रही है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। फिगर में ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है, तो मैं इसे गंदा नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, आप इसे ठीक से देख लेना। ये बोथ वेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ वेज, ठीक है, ये वाला बोथ वेज है। तो ये रहा हमारा टॉप डोम, बस इस पार्ट को आप देखिए, ठीक है। टॉप डोम में बोथ वेज, और टी हमारा थिकनेस है, ये वाला पार्ट थिकनेस है, एच इज़ द राइज एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ द टॉप डोम। और ये जो डी है ना, डी इज इक्वल टू 12 meter, ये डायमीटर है, इस भी सिलेंड्रिकल टैंक की, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो ये इस तरीके से लगा हुआ है, और ये जो आपको मेरिडियोनल, ये जो मेरिडियोनल फोर्स ऐसे लगता है, मेरिडियोनल फोर्स दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये जो डॉट डॉट गोल गोल डॉट देख रहे हो ना यहाँ, यहाँ ये है स्टील बार्स मेरिडियोनल फोर्स को रजिस्ट करने के। और हुप स्ट्रेस आपका ऐसे लगता है अलोंग द पैरेलल सर्किल, तो ये वाला जो स्टील बार्स है, एक्चुअली ये जो स्टील बार है ये वाला, ये हुप स्ट्रेस को रजिस्ट करता है। तो आप इसे अच्छे से देख लेना एक बार, इसे ट्राई करना समझने का, मैं डायग्राम से उतना अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ इसमें, तो एक बार आप इसे अच्छे से देखिएगा, ठीक है। थैंक यू।